हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टायर द बेस्ट। मैं एक टायर के सेलमैन हूं, मैं टायर से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं हीरो हुंडा बाइक के लिए मोटा टायर कौन सा बढ़िया रहेगा। हीरो हुंडा में जैसे कि आपका हो गया एच एफ डिलक्स, हो गया पैशन, हो गया ग्लैम्बर, हो गया सबसे नंबर वन में स्प्लेंडर हो गया। इसके लिए ना जो कंपनी साथ लग के आता है वो होता है पतला टायर ब्रेक, पतला मीडियम साइज होता है। तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले थोड़ा फैट मतलब थोड़ा मोटा टायर कौन सा बढ़िया रहेगा। जो आज देखो हमारे पास कितना सारा टायर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट नंबर में जो टायर हमारे पास पड़ा है जीके कंपनी का, जो दूसरा नंबर वाला टायर है ये हैगा टीवीएस का, दूसरा नंबर भी है, दूसरा पैटर्न है टीवीएस का, दूसरा एमआरएफ, ए भी एमआरएफ का। तो ये दिखाते हैं कि इसमें सबसे बढ़िया हमारे 5-6 तरह का टायर है, उसमें से कौन सा टायर आपके बहुत बढ़िया रहेगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखें, फिर आपको समझाएंगे कि कौन सा आपके हीरो होंडा के लिए बढ़िया टायर रहेगा। तो जैसे कि गाइस ये आपको दिखा रहे हैं ना, ये टायर है जेके चैलेंजर का टायर, ये भी इसमें गुडी आता है, पर ये इसका चलाई थोड़ा कम है। ये कम से कम अपना 6 महीना साल 2 साल के अंदर अंदर में घस जाता टायर। तो मैं सलाह दूंगा कि आप ये टायर ना डालें। और जो दूसरा टायर है टीवीएस का, ये वाला गुडी आता है, आप देख लो ध्यान से कौन सा गुडी है। तो ये भी टायर बहुत बढ़िया है। आपका भी अगर टायर 100 90 18 टायर आप ट्यूबलेस टायर डलवा रहे हो तो आपका 3 साल 3.5 साल आराम से ये कट जाएगा। जो ये टीवीएस का दूसरा डिजाइन आता है, ये भी टायर आप डलवा सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया डिजाइन है, ये भी आपको 3 से 3.5 साल चल जाएगा। तो आप सोचते होंगे कि वीडियो क्यों बना रहा है, कौन सा टायर बढ़िया होगा। तो वीडियो इसलिए बना रहा है कि आपको सबसे बढ़िया टायर कौन सा रहेगा, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखते रहे आप। तो देखो एक ये एमआरएफ का टायर है, ये एमआरएफ का लैलन ग्रिप जेपर वाई है, ये बहुत बढ़िया टायर है। ये भी टायर डलवाओगे तो कम से कम 6 महीना साल से ऊपर चल जाएगा। तो ये एमआरएफ का 100 90 18 टायर है, सबसे बढ़िया टायर है, ये भी चलता है काफ़ी 5-6 साल चल जाता है एक बार टायर डलवा के। जब भी टायर डलवाओ आप ट्यूबलेस डलवाओ। अगर आपके पास पैशन या कुछ भी है तो आपके पास अगर तार वाला चक्का है तो उसमें ट्यूब डाल के भी चला सकते हो, थोड़ा मोटा होता है। अगर शौक से डलवाना चाहते हो तब डलवा सकते हो 100 90 18, नहीं तो नॉर्मल। तो मैं आपको बताऊंगा तो अगले वीडियो में कि वो 318 होता है मीडियम साइज। एक ये टायर आता है हमारे पास 100 90 18 मेटोर एमआरएफ का, ये सबसे बढ़िया टायर है। 5 टायर में से ना सबसे नंबर वन में टायर ये है 100 90 18 एमआरएफ का मेटोर। मो ग्रिप में भी आता है, मेटोर आता है, ये सबसे बढ़िया देखो कैसा टायर है, ये बहुत शानदार है। आ देखो एमआरएफ का हमारे पास टायर है और 100 90 18 ट्यूबलेस टायर है। तो ये आप 5 में से कौन सा बढ़िया टायर है, तो आपको सबसे बढ़िया टायर लगा है एमआरएफ का। मैं भी अपने बाइक में डलवाया हूँ तो कम से कम 6-7 साल चल जाता है, पर ये टायर होता है थोड़ा मोटा, इसमें थोड़ा बहुत तेल का भी फर्क पड़ेगा, ब्रेज में भी फर्क पड़ेगा और चलाई चुलाई में थोड़ा लोड पड़ेगा। तो अगर आप मुंडे सुंडे हो या आप लड़के हो चलाने वाले हो, नौजवान हो, तो आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टायर बढ़िया है, टायर में कोई कंप्लेंट नहीं है, टायर बढ़िया चल जाता है मतलब हर चीज़ में, पर थोड़ा सेटिंग कराना पड़ता है। सेटिंग कैसे कराना पड़ता है तो अभी बता देते हैं। जैसे आपके पास स्प्लेंडर बाइक है ना, स्प्लेंडर बाइक में आप टायर जो नॉर्मल टायर लग के आता है वो होता है 2.75 18, और जो दूसरा साइज आप डलवा सकते हो काम पे आने जाने के लिए मीडियम साइज, जो प्रॉपर बढ़िया होता है सब मोटरसाइकिल हीरो होंडा के लिए सबसे बढ़िया साइज जो होता है ना वो होता है 318। उसके बाद अगर मोटा टायर डालना चाहते हो तो वो टायर होता है 100 90 18। 100 90 18 डालने से ये हमको लगता है कि बाहर तो बढ़िया लगता है, पीछे हर तरह का सोना लगता है। बाकी आपको मर्जी, जो दशा डलवाना चाहते हो डलवा सकते हो, पर मेरी सलाह है कि आप 100 90 18 टायर डलवाए, बढ़िया है। ब्रेक भी लगाओगे उसी जगह रुक जाएगा। तो स्प्लेंडर बाइक के लिए सबसे बढ़िया टायर। अगर फिटिंग करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कैसे फिटिंग होता है नहीं होता है, इस तरह का वीडियो बना हुआ, वो वीडियो देख के आप सेटिंग कर सकते हो। सेटिंग करना कुछ नहीं पड़ता है। अगर स्प्लेंडर बाइक है या आपके पास पैशन है या आपके पास कुछ भी है या हुंडा साइन है, आप टायर अच्छी तरह फिट करा के फिट करा लो। और जो सेंटर वाला था तो इसको भिंगा करना पड़ता है, टायर भिंगा करके इधर थोड़ा नट कसना पड़ता है, जो 10 नंबर गोटी नट होता है वो कस के, और जो ब्रेक राड होता है ऊपर वाली राड, पतला वाला छोड़ के ऊपर मोटा वाला राड होता है, उसको आप लीवर से या कोई भी चीज़ से ना खोल के उसको सट मार के ना थोड़ा सा पतला करके उसको साइड से भिंगा कर सकते हो, प्रॉपर फिट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, इस तरह के वीडियो आने वाला आपके पास जरूर चौंपे। अगर आपके पास कौन सा टॉपिक वीडियो बनाना है तो कमेंट में जरूर रिप्लाई दे। थैंक्स फॉर